हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये क्लास डी का एम्पलीफायर। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने बोला कि भैया हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, एम्पलीफायर में इतने पावर का होना चाहिए। तो ये कॉम्पैक्ट है, पावर बिल्कुल आपके दो टॉप के लिए, फिर दो मॉनिटर्स के लिए होने वाला है और ओवरऑल बाकी से काफ़ी लुक में अलग होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लुक में अलग होने वाला है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्मिनल सॉकेट्स आपको मिलते हैं। इन बात का मैंने ज़रूर ध्यान रखा है कि आपको ये सारे फीचर्स मिले। और एक फीचर और है, ये डीएसपी के साथ में आता है, तो क्रॉसओवर या फिर आपको डीएसपी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग्स सारी आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की बॉक्स पैकिंग, सिंपल सी बॉक्स पैकिंग है और स्लिम सा आपको देखने को मिलता है। क्लास डी एम्पलीफायर, प्रोफेशनल साउंड मेंशन करा गया है। अगर मैं साइड की डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग हो जाती है। मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे ये 8000 DP यानी 8000 DP जो मेंशन करा गया, इसका सीरियल नंबर मेंशन करा गया। और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिंपल सी बॉक्स पैकिंग है। चलिए मैं इसे फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये एक आपको बैग मिलता है, बेसिकली प्लास्टिक बैग है। अभी मैं इसको नहीं खोलूँगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले जो कि है वो अंदर और क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि आपके पास ये पावर कॉर्ड हो जाती है, एक 2-पिन प्लग अच्छी खासी लेंथ के साथ में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये हो जाता है हमारा मेन एम्पलीफायर, जो कि पैकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग करी गई है। चलिए अभी हमारे एम्पलीफायर को निकाल के हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको इजी वे में। तो यहाँ पे सबसे आप देख सकते हैं ये ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये मॉडल नंबर मेंशन करा गया है, DP8000 DSP क्लास डी एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब यहाँ आप सेंटर में देख लीजिए, यहाँ ये सेंटर में जो कि है आपको एक तो ये USB मिल जाता है, ये USB पोर्ट मिल जाता है। इस USB पोर्ट से आप जो कि इसका DSP का फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाते हैं। ये एक आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बेसिकली ब्लू कलर की डिस्प्ले है। इसके नीचे आपको ये M1, M2 और M3 और M4 के जो है वो बटन्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आप इन बटन्स के अंदर, यानी इनके अंदर आप जो है वो अपने प्रीसेट्स को सेट कर पाएंगे। जो भी आप DSP के अंदर प्रीसेट्स बनाते हैं, मुझे लाइनर चलाने तो मैं M1 पे इसको सेव करके रखूँगा, मुझे मॉनिटर चलाने तो M2 पे, मुझे टॉप चलाने तो M3 पे, या फिर मुझे इंस्टॉलेशंस में कहीं लगाना है तो M4 पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सिंपल मैं जाऊँगा अपने इवेंट पे या फिर प्रोग्राम पे, वहाँ पे मुझे DSP की लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे PC की जरूरत नहीं है। सिंपल M2 पे क्लिक करा, लाइनर चल गए, M3 पे क्लिक करा, मेरे टॉप चल गए। सिंपल उसी हिसाब से आप जो है वो DSP सेटिंग कर सकते हैं, यानी इस प्रीसेट्स के अंदर डाल सकते हैं। वॉल्यूम नोब हो जाता है चैनल ए चैनल बी का, इसके ऊपर आप देख सकते हैं लेवल इंडिकेटर्स हैं आपके पास, -20 और 0 और +15 dB का, ईजी है। ये वेंटिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सिंपल सा लुक दिया गया है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं एम्पलीफायर का बैक साइड, सिंपल सा लुक है, बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पे पावर इनपुट का सॉकेट हो जाता है और ये जो की चीज़ है यहाँ पे, ये टर्मिनल सॉकेट्स आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी कम क्लास डी एम्पलीफायर्स में मुझे देखने को मिलता है। अगेन इंडियन कंडीशंस या फिर कह लीजिए एक मस्ट है एक एम्पलीफायर में, अगर इंडिया में है वो एम्पलीफायर, या चाहे वो क्लास डी हो चाहे फिर वो क्लास एच क्यों ना हो, तो ये जो टर्मिनल सॉकेट्स होते हैं ना वो मतलब चाहिए चाहिए होता है। अगेन हर कोई यहाँ पे जो कि साउंड रेटल कंपनी में यूज़ करता है इंडिया में, वहाँ पे ये हर कोई स्पीकर्स का यूज़ में नहीं लेता है, टर्मिनल्स का भी यूज़ में लिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको टर्मिनल सॉकेट्स मिल जाते हैं डबल चैनल्स के लिए, यानी चैनल 1 चैनल 2 के लिए, और इसका ब्रिज में भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चैनल 1 चैनल 2 के लिए ये आउटपुट हो जाता है स्पीकर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये XLR ही बैलेंस इनपुट बैलेंस आउटपुट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये फैन जो है वो मेंशन करा गया है, ये वाला ये एक फैन मेंशन करा गया, आई थिंक ये 2.5 इंच या 2.5 इंच का है, 2.5 या 2 इंच का मुझे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये है इसका पूरा का पूरा बैक लुक। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। और हर एक वीडियो में यार मैं कुछ नहीं छुपाता, मतलब अंदर अंदर तक कि आपके पास डिटेल पहुँच जाए यही मेरे लिए बहुत है। ओवरऑल यहाँ पे ये क्लास डी है एक्चुअल में, इसलिए आपको बहुत
कम जो है वो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। हाँ, जब आपके आधे किलो के फ़ोन आपके पॉकेट में रखा हुआ 150 ग्राम में बदल सकता है, तो एम्पलीफायर्स क्यों नहीं बदल सकते हैं? वही सेम क्लास डी टेक्नोलॉजी है, जो कि जैसे हम कहते हैं लाइट वेट लेकिन पावरफुल। और अगेन यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है वो मैंने खोला हुआ है, सिंपल एक ये डीएसपी बोर्ड, जो कि आपको पूरा डीएसपी वर्क देखने को मिलेगा वो सिंपल इस बोर्ड से आएगा। ये है पूरा इसका, जो कि आप कह सकते हैं मदरबोर्ड टाइप्स, ठीक है ना, ये इसका पूरा है। इसमें ही पूरे आपको डीएसपी के फंक्शन सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे पावर सप्लाई से लेके बाकी इसके अंदर जो कि पावर आउटपुट आपको मिलेगी वो यहाँ पे है, यहाँ पे फिट है इस पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और चलिए थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको एक्चुअल में अंदर की चीज़ दिखाता हूँ, जो कि ये मॉड्यूल्स में है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये है इसका पूरा मॉड्यूल, क्लास डी मॉड्यूल्स हैं और ये कोर्स हैं इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे कोर्स हो जाती हैं, ये इसका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये कुछ कैपेसिटर्स का यूज़ भी लिया गया है। इसके जस्ट पीछे हीट सिंक जो है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है, ये देख सकते हैं, ये प्योर एल्युमिनियम की चमचमाती हुई हीट सिंक दी गई है। एक चीज़ का दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें दिख पाए, तो ये जो कि आपको गैप दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा गैप के जस्ट पीसीबी और ये हीट सिंक के बीच में जो गैप है, इसके पीछे ही सारा पावर है इसका। यानी आप कह सकते हैं इसके पूरे जो कि हर्ट होता है, पावर आउटपुट होती है, वो यहीं से निकल के आती है, ठीक है ना। SMD है अगेन यहाँ पे। अगर आप बात करें रिपेयरिंग की, तो अगेन ये कार्ड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ईजिली मिल जाएगा अगर आप कंपनी से मांगते हैं, सस्ता है, मतलब बजट में है, कोई ऐसा नहीं है कि महंगा बहुत है। और अगेन जो रिपेयर कर सकता है SMD वो रिपेयर कर सकता है। तो ये है दोस्तों इसका पूरा इंटरनल लुक, यानी अंदर का पार्ट का क्वालिटी और कैसे कैसे सारी चीज़ें वो लगाई गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। चलिए अभी हम और भी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस और पावर आउटपुट। सबसे पहले मैं पावर आउटपुट की बात करता हूँ, वो है 8 ओम्स पे, यानी पर चैनल ये 8 ओम्स पे आपको 500 वाट निकाल के दे देता है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 4 ओम्स पे, तो ये 4 ओम्स पे 750 वाट जो है वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। ये एम्पलीफायर ब्रिज पे भी वर्क करता है, तो ब्रिज पे जो कि आपको 8 ओम्स की पावर है वो यहाँ पे आपको 900 वाट निकाल के देता है, 4 ओम्स पे यहाँ पे आपको ये 1200 वाट जो है वो आउटपुट निकाल के दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करता हूँ क्लास डी टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड एम्पलीफायर। डैम्प इफेक्टर सबसे ज़्यादा पूछते हैं आप, तो ये इसका डैम्प इफेक्टर 300 है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल डीएसपी के बारे में, या फिर ये कैसे वर्क करता है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये डीएसपी इसका कैसे वर्क करता है। और इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी सीखने वाली होंगी। ये मत समझना कि सिर्फ एम्पलीफायर का जो डीएसपी है वो अलग हो जाएगा, ये डीएसपी की जो सेटिंग्स या फिर कुछ इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये सारे ही डीएसपी में लागू होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें डीएसपी में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डीएसपी के लिए। अभी आपको जैसे कि मैंने एम्पलीफायर के बॉक्स पैकिंग में दिखाया था, आपको ये एक बैग मिलता है, मतलब एक आपको इसमें पेपर वर्क्स हैं, इसके अंदर CDs हैं, और इसके अंदर एक आपको ये वायर भी मिलेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो हमारे को ज़्यादा काम का नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है आपके लाइक। यहाँ पे ये एक मेन CD है, ठीक है ना, ये काम की आएगी आपकी, और एक ये वायर जो है वो काम का आएगा आपका, जो कि आपके एम्पलीफायर को आपके लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करेगा, यानी DSP सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट करेगा। ये दो चीज़ नेसेसरी है, इन दोनों चीज़ को खोना मत, ये मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर मिला जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी से अगर आप अलग से ले लें वो अलग बात है। चलिए ये मैं लगाता हूँ पहले अपने लैपटॉप में, कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो सिंपल है, अभी ये चीज़ जो है वो मैंने फेस करी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि CD हर किसी के लैपटॉप में नहीं आ रही है, तो कंपनी से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब CD अगर CD रोम ना हो तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अभी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो चलिए दिस PC में जाते हैं। तो बेसिकली आप CD डाल देते हैं, CD डालने के बाद आपने दिस PC में गए, यानी आपने माइक कंप्यूटर या दिस PC जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ये आपका DVD CD रोम में आपको शो कर देगा। क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये DP 8000 DSP ऑडियो V1.2.2 का ये फाइल मिलेगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये 3 फाइल्स होंगी, इनमें से किसी को मत छेड़ना सिवाय बीच वाली नहीं, ये जो कि आपको दूसरे नंबर पे मिल रहा है ये वाला, इस पर आपने या तो डबल क्लिक करना है, या फिर आप
आपके लेफ्ट के माउस के पैड पे क्लिक करेंगे तो ओपन का आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ओपन करा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सॉफ्टवेयर जो है वो यानी आपका जो DSP है वो ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली ये बूट अप हो चुका है, यानी ऑन हो चुका है, ठीक है ना। अभी कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है क्योंकि हमने तो अपने एम्पलीफायर से इसको कनेक्ट ही नहीं करा है। चलिए मैं एम्पलीफायर से इसको कनेक्ट करने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वायर लगेगा, ठीक है ना, इस वायर को खोलना है आपने, और ये एक छोर जो मोटा वाला होगा, दिख रहा है, ये एक छोर जो मोटा वाला होगा ये आपके जाएगा यहाँ ये एम्पलीफायर में, जो कि ये USB वाला पैनल यहाँ पे मेंशन करा गया, ठीक है ना, यहाँ इंसर्ट करना है आपने। दूसरा जो कि आपका पोर्ट होगा ये जाएगा आपके ये यहाँ पे, ठीक है ना आरिफ, जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। सिंपली अभी भी नहीं हुआ, अभी आपने एम्पलीफायर करना है ऑन। एम्पलीफायर मैंने ऑन करा, ऑन करते के साथ यहाँ पे ऑनलाइन एंड स्टेटस कनेक्टिंग दिखा देगा। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ने कनेक्शन यानी बना लिया इसके साथ में, कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है ना, USB कनेक्टेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस ID 1 एंड स्टेटस कनेक्टेड दिखा रहा है। ऐसे आप बहुत सारे एम्पलीफायर्स को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डिज़ाइन में करा गया है। और ओवरऑल यहाँ पे ये 3 खाने हैं, यानी आपका ओवरव्यू ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम चले। ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस पैड जा रहा है, ये माउस तीर जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये ओवरव्यू है, ये इसका इनपुट सेक्शन हो जाता है और ये इसका आउटपुट सेक्शन हो जाता है। ऊपर की बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोटा मोटी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये M1, M2 और M3 एंड M4 जो आपको ये बटन्स देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली प्रीसेट्स को स्टोर करने के लिए बटन्स बनाए गए हैं, यानी आप इन पे डायरेक्टली प्रीसेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मॉनिटर को चलाया है तो मैं M1 पे चलाऊंगा, और मेरे को लैंडर चलाना है तो M2 पे चलाऊंगा, और मुझे टॉप चलाना है तो मैं M3 पे चलाऊंगा, या फिर इंस्टॉलेशंस में कहीं यूज़ करना है तो मैं उसके हिसाब से सेटिंग्स को इनमें फिट कर सकता हूँ। तो बार बार आपको इस PC और ये वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही प्रीसेट सभी के अलग अलग बना दिए, इसके अंदर आपने सेव कर देना है। सिंपल आपने जाना है M2 पे क्लिक कर आपका लैंडर चल गया, M3 पे क्लिक कर आपके टॉप चल गया, या M1 पे क्लिक कर आपके मॉनिटर के आउटपुट के सेटिंग बन गई, उसमें बन के सेव है। तो ये जो सेटिंग है ये आपके ऊपर, ये फाइल में जाके आपने रिकॉल एंड सेव डिवाइस सेटिंग्स में जाना है। Factory 1 जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 3, 4, अब ये 4 है, इसके ऊपर और एम्पलीफायर लगाएंगे तो आगे काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से आपने सेव करा एंड यहाँ पे ये सेव टू प्रीसेट डिवाइस प्रोसेस अगेन यस, और ये सेव हो गया। तो ऐसे ही आप सारे ही सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये था मोटा मोटी इस DSP सेटिंग्स के बारे में बताने का आपको। तो दोस्तों कैसे लगे DSP और ये सारी जो कि मैंने आपको डिटेल्स बताई, सॉफ्टवेयर्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी जानकारियां मुझे जरूर नीचे कमेंट्स बताना। और इसकी बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो मैं 2 टॉप के साथ में, वो टॉप जो कि हैं वो P-Audio के आपके 400+400 वाट के, और 60 वाट का जो HF मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस, आउटपुट कितना है, क्या ये 750 वाट एक्चुअल में निकालता है नहीं निकालता है, क्वालिटी कैसी, वो सारी जानकारी आपको।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसे लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसको प्रीसेट्स पे ही, यानी जो कि कंपनी फिटेड प्रीसेट्स, यानी कंपनी के साथ में जो प्रीसेट्स आए थे उसी पे चलाया, कोई अलग से डीएसपी सेटिंग करके इसको नहीं चलाया मैंने। आप चला सकते हैं, आपकी जो है वो क्वालिटी है, फिर अपनी स्पीकर्स देख लीजिएगा कि हाँ मैं कौन सा जो है वो स्पीकर्स पे यूज़ कर रहा हूँ, टॉप यूज़ कर रहा हूँ, लाइनरी यूज़ कर रहा हूँ या फिर आपके मॉनिटर्स यूज़ कर रहा हूँ, उस हिसाब से इसमें सेटिंग्स डीएसपी के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो पावर में कम नहीं है। हाँ, आप इस पर 300 से 400 वाट के जो कि आपके डबल 15 के टॉप पे हैं, डबल 12 के हैं, यूज़ में ले सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि आप इसको मॉनिटर पे यूज़ करें या फिर इंस्टॉलेशंस पे यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको आउटपुट मिल पाएगा। और प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, 7 लाख के बहुत ज़्यादा करिए मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ किसी तरह की अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।